हेलो माय डियर स्टूडेंट्स, आज मैं आपको सिखाऊंगा डिफरेंशिएशन का बेसिक कॉन्सेप्ट 2, क्योंकि हमने इससे पहले बेसिक कॉन्सेप्ट 1 देख चुके थे। उसमें हम ये बताए थे कि डिफरेंशिएशन का बेसिक फॉर्मूले क्या है और उन फॉर्मूले के बेस पे कैसे डिफरेंशिएट किया जाता है वो मैं आपको समझाया था, और कुछ एग्जाम्पल लिए थे कॉम्पोजिट फंक्शन का, वो भी हम देख चुके थे। बट आज के लेक्चर में हम ये देखेंगे कि इसमें कुछ फंक्शंस होते हैं जो एडिशन, सब्ट्रैक्शन, मल्टीप्लिकेशन, डिवाइड, ऐसे फंक्शंस है, उन फंक्शन को कैसे डिफरेंशिएट किया जाता है वो मैं आपको समझाऊंगा, और साथ में इन्हीं एडिशन, मल्टीप्लिकेशन, सब्ट्रैक्शन, डिवाइड, इनमें रहने वाले जो फंक्शंस है उनके कॉम्पोजिट फंक्शन कैसे होते और उन्हें कैसे डिफरेंशिएट किया जाता है ये मैं आपको समझाऊंगा। मैं स्टार्ट करता हूँ। देखिए, सबसे पहला हम क्या करेंगे, डेरिवेटिव ऑफ सम ऑफ फंक्शन, मतलब ऐसे फंक्शन जो एडिशन में होते। देखिए, अगर मान लो हम ले रहे हैं कि y फंक्शन इज इक्वल टू सम ऑफ u एंड v, u एक फंक्शन है, v एक फंक्शन है, इन दोनों को एडिशन करके हम y फंक्शन से दिखाए। अब आपको बोला जाता है कि डिफरेंशिएट दिस फंक्शन विथ रेस्पेक्ट टू x, तो आप क्या करोगे, यहाँ पर लिखोगे डिफरेंशिएटिंग विथ रेस्पेक्ट टू x करके, तो इसको डेरिवेटिव करोगे, डेरिवेटिव ऑफ y विथ रेस्पेक्ट टू x, दैट इज इक्वल टू, देखो d बाई डी एक्स को आप वैसा ही लिख दोगे, मैंने वैसे ही लिख दिया, साइड में y दिख रहा है तो y इज इक्वल टू क्या है, u प्लस v है। जब आप इसको डिफरेंशिएट करोगे तो आप u को डेरिवेटिव करोगे, प्लस सिंबल ऐसा ही रहेगा, और v का डेरिवेटिव करोगे, तो जब डेरिवेटिव ऑफ u विथ रेस्पेक्ट टू x प्लस फिर डेरिवेटिव किसका, v का करोगे, सो डेरिवेटिव ऑफ v विथ रेस्पेक्ट टू x, दैट इज dy बाई dx। अब ये हो गया एडिशन, यानी के सम। सम का मतलब क्या होता है, एडिशन। ये जब फंक्शन एडिशन में रहेंगे तो कैसे डिफरेंशिएट करेंगे, इस तरह देखो, जो पहला फंक्शन है उसको डेरिवेटिव करो, दूसरा फंक्शन है उसको डेरिवेटिव करो, तीसरा वाला फंक्शन कुछ होता, अगर मान लो आगे w होता तो w का भी डिफरेंशिएट ऐसे ही करता, प्लस dw बाई dx, मतलब जब एडिशन में रहेगा तो डायरेक्टली हर एक को डिफरेंशिएट करते जाओ जिससे आपको बोला है उससे, आपको विथ रेस्पेक्ट टू x बोला है तो विथ रेस्पेक्ट टू x डिफरेंशिएट करो। अब इसका एग्जाम्पल देखते, देखिए एग्जाम्पल, मान लीजिए आपको दिया है कि y इज इक्वल टू एक्स टू द पावर 5 प्लस साइन x। अब ये फंक्शन आपको दिया है, देखो यहाँ पर ये एक फंक्शन है जो ये u रिलेटेड हो रहा है, ये वाला जो फंक्शन है ये v लग रहा है, बीच में प्लस है तो प्लस, और ये हो रहा है y, तो आप इससे कंपेयर कीजिए, जब y इज इक्वल टू यू प्लस वी रहेगा तो आप u का डेरिवेटिव करोगे प्लस v का डेरिवेटिव कर दोगे। अब आपको बोला क्या, यहां पर क्वेश्चन दिया रहेगा ऐसे कि डिफरेंशिएट फॉलोइंग विथ रेस्पेक्ट टू x, ऐसे आपको बोला रहेगा और क्वेश्चन दिया रहेगा ऐसा। अब आप देखोगे इस क्वेश्चन को देखने के बाद समझोगे कि इसमें प्लस है तो आप ये वाला मेथड अप्लाई करोगे, और रूल क्या बोलता है, इसको डेरिवेटिव करो, इसको डेरिवेटिव करो। देखो यहां पर लिखना है कि डिफरेंशिएटिंग विथ रेस्पेक्ट टू एक्स, आप इधर लिखोगे डेरिवेटिव ऑफ वाई विथ रेस्पेक्ट टू एक्स, दैट इज इक्वल टू डी बाई डी एक्स, वाई के बदले में क्या है एक्स टू द पावर 5 प्लस साइन एक्स, ये लिख दिया। अब डिफरेंशिएट करना है, इसको डिफरेंशिएट करो प्लस इसको डिफरेंशिएट करो, डेरिवेटिव दोनों को जाएगा, डी वाई बाई डी एक्स इज इक्वल टू, यहां पर x टू द पावर 5 को डेरिवेटिव जाएगा, डेरिवेटिव ऑफ x टू द पावर 5 विथ रेस्पेक्ट टू x, फिर प्लस सिंबल है तो प्लस, फिर साइन x को डेरिवेटिव जाएगा तो डेरिवेटिव ऑफ साइन x विथ रेस्पेक्ट टू x, क्लियर हो गया। अब आपको आगे सॉल्व करना है, यहां तक तो कॉमन है, आपको करना था रूल्स के हिसाब से वो आपने कर दिया। अब यहां पर डिफरेंशिएट करना है, याद होगा कल हमने एक फॉर्मूला देखे थे डेरिवेटिव ऑफ एक्स रेस टू एन, तो उसमें क्या आ रहा था एन इंटू एक्स रेस टू एन माइनस वन, और हमने देखा था डेरिवेटिव ऑफ साइन एक्स,
इसका क्या आ रहा था, कॉस एक्स आ रहा था। तो आप देख सकते हो यहाँ पर इसे कंपेयर करो इन दोनों से, देखो यहाँ पर एक्स टू द पावर कितना फाइव है, एक्स टू द पावर कितना एन है, तो ये जो पावर है वो इधर है, फिर एक्स और पावर माइनस वन, तो यहाँ पर देखो पावर कितना फाइव है, इधर एक्स और ऊपर पावर माइनस वन यानी कि फाइव माइनस वन प्लस है। अभी देखो ये यहाँ तक कहाँ निकले रही, इसमें कुछ नया नहीं है, प्लस डेरिवेटिव ऑफ साइन एक्स क्या हो गया, कॉस एक्स। अब देखो यहाँ पर क्या आएगा, फाइव इंटू एक्स टू द पावर फाइव माइनस वन कितना हो जाएगा, फोर प्लस कॉस एक्स, तो ये हो गया डेरिवेटिव ऑफ वाई विथ रिस्पेक्ट टू एक्स। ये है ऐसा सॉल्व करते, मतलब कहना ये है कि अगर आपको सवाल ऐसा दिया रहेगा कुछ एडिशन में, तो डायरेक्ट हर एक टर्म को डिफरेंशिएट करो, बीच में प्लस है तो प्लस का सिंबल रहने दीजिए, यहाँ पर प्लस सिंबल था प्लस वैसा ही है, इसको भी डिफरेंशिएट कर दिया, इसको भी डिफरेंशिएट कर दिया और आंसर ये आ गया। इसे कहते हैं डेरिवेटिव ऑफ सम ऑफ फंक्शन। अब हम देखते हैं सब्ट्रैक्शन वाला, ठीक है तो इसको निकाल देते। नेक्स्ट है देखिए, नेक्स्ट ले लेते हैं यहां पर डेरिवेटिव ऑफ डिफरेंस, डेरिवेटिव ऑफ डिफरेंस यानी कि क्या हुआ, सब्ट्रैक्शन। अब सब्ट्रैक्शन वाले को देखेंगे, सेम कहानी है, y इज इक्वल टू क्या होगा, u माइनस वी होगा। अब देखो यहां पर इसको डिफरेंशिएट करेंगे विथ रेस्पेक्ट टू x, तो अगर इसको विथ रेस्पेक्ट टू x करेंगे तो डेरिवेटिव ऑफ y विथ रेस्पेक्ट टू x इज इक्वल टू डेरिवेटिव ऑफ, देखो d बाई डी एक्स से वैसे लिख दिया, y के बदले में क्या लिखोगे, u माइनस वी, तो u माइनस वी। अब जब सब्ट्रैक्शन का डिफरेंशिएट करोगे तो ये भी नॉर्मल पहले वाले के जैसा ही रहेगा, इसको डिफरेंशिएट करो, बीच में माइनस है तो माइनस रख दो और इसको डिफरेंशिएट करो। सो आप लिखोगे यहाँ पर डेरिवेटिव ऑफ यू विथ रेस्पेक्ट टू एक्स, बीच में माइनस है तो माइनस रख दीजिए, फिर वी का डेरिवेटिव कीजिए, डेरिवेटिव ऑफ वी विथ रेस्पेक्ट टू एक्स, और ये जो बाजू में लिखा है डेरिवेटिव ऑफ वाई विथ रेस्पेक्ट टू एक्स, ऐसे ही रख दिया, बन गया फॉर्मूला। अब इसका एग्जांपल ले लेते, चलो मान लीजिए कोई दूसरा एग्जांपल लेते, मान लो y इज इक्वल टू दिया है x टू द पावर 3 प्लस cos x दिया है समझो, अब इसको डिफरेंशिएट करने के लिए कह रहे हैं, तो देखो आपका ये फॉर्मूला कि ये u बन जाएगा, ये v बन जाएगा, माफ करना सब्ट्रैक्शन का ले रहे हैं ना, तो यहाँ पर माइनस ले लीजिए, ठीक है। सो ये क्या बन गया, वाई इज इक्वल टू यू माइनस वी। अब आपको क्या बोला है, डिफरेंशिएटिंग विथ रेस्पेक्ट टू एक्स करके कहा गया है, सो आप लिखोगे डेरिवेटिव ऑफ वाई विथ रेस्पेक्ट टू एक्स, सो डेरिवेटिव ऑफ वाई के बदले में क्या है, एक्स क्यूब माइनस कॉस एक्स, तो लिख दिया। अब आगे डिफरेंशिएट करो इसको, डेरिवेटिव ऑफ वाई विथ रेस्पेक्ट टू एक्स इज इक्वल टू, अब इसको डिफरेंशिएट करो और इसको डिफरेंशिएट करो, मतलब डेरिवेटिव इसको भी दो और इसको भी दो, डेरिवेटिव ऑफ एक्स क्यूब विथ रेस्पेक्ट टू एक्स, फिर माइनस है, इसको डेरिवेटिव दो, डेरिवेटिव ऑफ कॉस एक्स विथ रेस्पेक्ट टू एक्स। अब फॉर्मूला आपको पता है, डेरिवेटिव ऑफ एक्स रेस टू एन क्या था, एन इंटू एक्स रेस टू एन माइनस वन, डेरिवेटिव ऑफ कॉस एक्स क्या था, उसका आंसर आ रहा था माइनस साइन एक्स। तो देखिए यहाँ पर डेरिवेटिव ऑफ वाई विथ रेस्पेक्ट टू एक्स इज इक्वल टू एक्स टू द पावर कितना है, थ्री है, इधर देखो पावर इंटू एक्स ऊपर पावर माइनस वन, पावर कितना है तीन, एक्स पावर माइनस वन मतलब थ्री माइनस वन, फिर माइनस डेरिवेटिव ऑफ कॉस एक्स क्या है, ये माइनस के जगह पे माइनस, कॉस एक्स का डेरिवेटिव माइनस साइन एक्स, तो हमने लिख दिया यहाँ पर डेरिवेटिव ऑफ वाई विथ रेस्पेक्ट टू एक्स, थ्री इंटू यहाँ पर थ्री माइनस वन कितना रहेगा टू, तो थ्री एक्स स्क्वायर माइनस इंटू माइनस प्लस यहाँ रहेगा साइन एक्स, आ गया ये वाला फॉर्मूला। इसको कहते डेरिवेटिव ऑफ डिफरेंस ऑफ फंक्शन, मतलब दो फंक्शन यहाँ पर सब्ट्रैक्शन में रहेंगे तब कैसे डिफरेंशिएट करते, तो इस तरह किया जाता है, कुछ नया नहीं है। देखो एडिशन वाले में भी डायरेक्ट हर टर्म को डिफरेंशिएट कर दो,
सब्ट्रैक्शन वाले में भी डायरेक्टली हर टर्म को डिफरेंशिएट कर दो, u दिया है उसका डिफरेंशिएट, v दिया है उसका डिफरेंशिएट, सिंपल है। अब थोड़ा अलग रहेगा, अभी जो हम पढ़ाएंगे वो मल्टीप्लीकेशन में अभी अलग रहेगा, अभी तक कॉमन था, ये सिंपली आपको भी समझ में आ गया होगा। अब आगे देखेंगे मल्टीप्लीकेशन, इसमें थोड़ा नया रहता है, क्या रहता है देखिएगा। देखिए नेक्स्ट आगे समझते हैं, यहां पर डेरिवेटिव ऑफ प्रोडक्ट, क्या यहां पर प्रोडक्ट, प्रोडक्ट यानी कि क्या हुआ मल्टीप्लीकेशन। सो जब मल्टीप्लीकेशन रहेगा तब क्या करोगे। सो देखिए अगर फंक्शन दिया है y इज इक्वल टू यू वी, मतलब एक u फंक्शन एक v फंक्शन है, उनके बीच में मल्टीप्लीकेशन है, इसको है ना जनरली यू वी रूल भी कहते हैं, क्या इसको यू वी रूल भी कहा जाता है। तो देखो ऐसे टाइम पे क्या होगा, आप इसको डिफरेंशिएट करोगे विथ रेस्पेक्ट टू x से करोगे, ठीक है। तो जब आप x से डिफरेंशिएट करोगे तब क्या होगा, डेरिवेटिव ऑफ y विथ रेस्पेक्ट टू x इज इक्वल टू, अब आप d बाई डी एक्स तो वैसे ही रखोगे, d बाई डी एक्स कॉमन है, जहां पर y दिख रहा है y इज इक्वल टू क्या यहां पर uv है तो uv। अब इस बार आप डायरेक्टली u का डिफरेंशिएट और v का डिफरेंशिएट डायरेक्ट नहीं कर सकते, पिछली बार याद होगा वहां पर u प्लस v था है ना, तो आप इसका डिफरेंशिएट कैसे कर रहे थे, u का डेरिवेटिव प्लस v का डेरिवेटिव, मतलब डेरिवेटिव ऑफ u विथ रेस्पेक्ट टू x प्लस डेरिवेटिव ऑफ v विथ रेस्पेक्ट टू x डायरेक्ट कर रहे थे। जब इसके बीच में माइनस था तो यहां पर माइनस था, डेरिवेटिव ऑफ u माइनस डेरिवेटिव ऑफ v ऐसे कर रहे थे, लेकिन आप डायरेक्टली यहां पर डेरिवेटिव ऑफ u इंटू डेरिवेटिव ऑफ v नहीं कर सकते, यहां पर अलग रूल है। और वो क्या है देखो, सबसे पहला इसमें कंडीशन ये, डेरिवेटिव ऑफ y विथ रेस्पेक्ट टू x इज इक्वल टू, ये जो पहला वाला टर्म दिख रहा है उसे कॉन्स्टेंट रख दीजिए, मतलब उसे कुछ डेरिवेटिव मत करो, उसको वैसा ही रख दिया। जो अभी आपको सेकेंड दिख रहा है v, उसका डेरिवेटिव करो, तो डेरिवेटिव ऑफ v विथ रेस्पेक्ट टू x, फिर प्लस लिखना रहता है, प्लस हाँ क्या माइनस नहीं, फिर आपका जो ये सेकेंड टर्म है उसको शांति से वैसे रख दो, कुछ मत करो, फिर पहले वाले टर्म को डेरिवेटिव करो, मतलब डेरिवेटिव ऑफ u विथ रेस्पेक्ट टू x, ठीक है। मतलब यहां पर फर्स्ट टर्म कॉन्स्टेंट, सेकेंड टर्म का डेरिवेटिव, फिर सेकेंड टर्म कॉन्स्टेंट, फर्स्ट टर्म का डेरिवेटिव, तो u को वैसे ही रख दो, v का डेरिवेटिव करो, बीच में प्लस सिंबल लगाना है, v को वैसे ही रख दो और पहले वाले u का डेरिवेटिव करो, और ये होता है uv रूल, और इन्हीं के बेस पे सवाल कुछ ज़्यादा ही पूछा जाता है। अब दिखाते हैं आपको इसका एग्जाम्पल लेके, हाँ क्या, चलो हम इससे पहले जो लिया वही लेके समझ लेते, इजीली पड़ेगा आपको। हाँ सो वाई इज इक्वल टू एक्स टू द पावर फाइव इन टू साइन एक्स है, और आपको पहले लेक्चर में मैंने बताया था कि हमारे पास कुछ फंक्शन को याद रखने के लिए नाम लिया था लिएट करके, है ना, जिसमें लॉगरिथमिक इनवर्स अल्जेब्रिक ट्रिग्नोमेट्रिक एक्सपोनेंशियल फंक्शन थे। तो देखिए ये अल्जेब्रिक फंक्शन है, ये ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन है, अब ऐसे दो अलग फंक्शन के बीच में मल्टीप्लीकेशन है, तो अभी आपको इसको डिफरेंशिएट करना है, तो आप क्या लिखोगे, डिफरेंशिएटिंग विथ रेस्पेक्ट टू एक्स, तो आप लिखोगे डेरिवेटिव ऑफ वाई विथ रेस्पेक्ट टू एक्स इज इक्वल टू डेरिवेटिव ऑफ जो वाई दिख रहा है, वाई के बदले में क्या है एक्स टू द पावर फाइव इन टू साइन एक्स है, बराबर। नाउ डेरिवेटिव ऑफ वाई विथ रेस्पेक्ट टू एक्स, याद रखना ये u है और ये v है और इज इक्वल टू वाई है, तो वाई इज इक्वल टू यू वी रूल दिख रहा है ना यहाँ पर, वाई इज इक्वल टू यू वी रूल, रूल क्या बोलता है u कॉन्स्टेंट रखने का, u कौन है ये हमारा u हो गया और ये v हो गया, u कॉन्स्टेंट मतलब x टू द पावर फाइव वैसा ही रहेगा, फिर v का डेरिवेटिव, सो डेरिवेटिव ऑफ साइन एक्स विथ रेस्पेक्ट टू एक्स, फिर बाद में क्या करना है, बाद में प्लस सिंबल है तो प्लस सिंबल रख दीजिए, उसके बाद देखो v कॉन्स्टेंट, v कौन है साइन एक्स है, तो साइन एक्स को कॉन्स्टेंट, फिर डेरिवेटिव करोगे u का, u कौन है x टू द पावर फाइव, सो डेरिवेटिव ऑफ x टू द पावर फाइव विथ रेस्पेक्ट टू x, अब आप लिखिए डेरिवेटिव ऑफ y विथ रेस्पेक्ट टू x इज इक्वल टू
एक्स टू द पावर फाइव तो वैसा ही रहेगा, उसको तो कुछ करना नहीं है, वो डेरिवेटिव नहीं हो रहा है। अब देखिए यहां पर साइन एक्स है, तो साइन एक्स का डेरिवेटिव क्या आता है, कॉस एक्स प्लस, अब देखो साइन एक्स है, इसको वैसे ही रख दो, इसके साथ कुछ नहीं करना है। अब ये कौन सा वाला फॉर्मूला, वही डेरिवेटिव ऑफ एक्स रेस टू एन वाला फॉर्मूला, एन इंटू एक्स रेस टू एन माइनस वन, एन कितना है फाइव है, सो यहां पर फाइव इंटू एक्स रेस टू फाइव माइनस वन, फाइव माइनस वन, तो फाइनली क्या मिल रहा है, डेरिवेटिव ऑफ वाई विथ रेस्पेक्ट टू एक्स इज इक्वल टू एक्स टू द पावर फाइव इंटू कॉस एक्स प्लस साइन एक्स इंटू फाइव एक्स टू द पावर फोर। समझ में आ गया, यही ऐसे ही सॉल्व करना है और कुछ नया नहीं, बस इतना ही। आप चाहे तो यहां पर एक कॉमन निकाल लीजिए और एक काम हो जाएगा, डेरिवेटिव ऑफ वाई विथ रेस्पेक्ट टू एक्स, देखिए एक्स टू द पावर फोर है, एक्स टू द पावर फाइव है, तो आप एक काम कीजिए एक्स टू द पावर फोर को कॉमन ले लीजिए, यहाँ पर एक x बचेगा, x इंटू कॉस एक्स हो जाएगा प्लस फाइव इंटू साइन एक्स हो जाएगा, बराबर ना, x टू द पावर कितना फाइव है, x टू द पावर कितना फोर है, x टू द पावर फोर कॉमन ले लिया, एक x बचेगा, यहाँ लिख दिया कॉस एक्स वैसे ही रहेगा, फाइव इंटू साइन एक्स, फाइव इंटू साइन एक्स बन गया। सो ये है यूवी रूल, यानी कि जब मल्टीप्लीकेशन में दो फंक्शंस होंगे तब उसको डिफरेंशिएट कैसे करोगे, तो इस तरह करोगे, पहला टर्म कांस्टेंट, दूसरा टर्म का डेरिवेटिव, फिर प्लस दूसरा टर्म कांस्टेंट, पहले टर्म का डेरिवेटिव, ये यू वी रूल। अब हम देखते हैं यू बाई वी रूल, यानी कि डिवाइड करने वाले का तरीका, सो उसको भी समझ लेते। देखिए यहां हम आपको समझा देते देखिए, अब यहाँ पर क्या था, डेरिवेटिव ऑफ प्रोडक्ट था, अभी यहाँ पर डेरिवेटिव ऑफ कोशेंट का लेते हैं, ठीक है, कोशेंट का मतलब क्या, जो हम डिवाइड करते वही ना, सो अभी क्या रहेगा, वाई इज इक्वल टू यू बाई वी रूल रहेगा, इसको कभी कभी यहाँ पर यू बाई वी रूल भी कहते, ठीक है, पहले वाले में क्या बोल रहे थे, यू वी रूल, अभी वाला क्या है, यू बाई वी रूल। देखिए इसको डिफरेंशिएट कैसे करेंगे, तो सेम कहानी, यहाँ पर डिफरेंशिएटिंग विथ रेस्पेक्ट टू एक्स करके बोल दो, सो डेरिवेटिव ऑफ वाई विथ रेस्पेक्ट टू एक्स, आप डी बाई डी एक्स वैसे ही लिख दोगे, डी बाई डी एक्स, ये जो वाई के जगह पे क्या लिखोगे, वाई के जगह पे यू बाई वी लिख दोगे। अब इसको डिफरेंशिएट कैसे करते, देखिए ये जो डिनोमिनेटर वाला टर्म है, पहला उसको कॉन्स्टेंट रखने का, डिनोमिनेटर कॉन्स्टेंट, फिर न्यूमरेटर का डेरिवेटिव, डेरिवेटिव ऑफ न्यूमरेटर विथ रेस्पेक्ट टू एक्स, और यहाँ पर अभी आएगा माइनस, और अभी क्या करोगे, अब न्यूमरेटर कांस्टेंट और डिनोमिनेटर का डेरिवेटिव विथ रेस्पेक्ट टू एक्स होल अपॉन जो डिनोमिनेटर है उसका स्क्वायर, और ये होता है डेरिवेटिव ऑफ वाई विथ रेस्पेक्ट टू एक्स, ये बन गया क्लियर, समझ में आ गया। तो आप रूल पढ़ लीजिए, क्योंकि सवाल आपको सिंपल वाला नहीं आएगा, सिंपल वाला डिफरेंशिएट समझने के लिए आएगा, हर बार तो एग्जाम में नहीं आएगा ना, कॉम्प्लिकेटेड वाला ही आता है। देखो आप, मैंने क्या किया, डिनोमिनेटर को कांस्टेंट रखा और न्यूमरेटर को डेरिवेटिव किया, फिर माइनस सिंबल, न्यूमरेटर कांस्टेंट, डिनोमिनेटर का डेरिवेटिव, जिसके बाजू में डी बाई डी एक्स लगा है उसका डेरिवेटिव हो रहा है, तो वी के बाजू में डी बाई डी एक्स है तो उसका डेरिवेटिव हो रहा है, होल अपॉन नीचे जो डिनोमिनेटर है उसका स्क्वायर करने का, क्लियर हो गया। अभी इसको हम समझाते एग्जाम्पल, वही अभी पुराना वाला एग्जाम्पल लेके समझे तो बेहतर होगा, अब आप जानते हो इसलिए बोल रहा हूँ, वाई इज इक्वल टू एक्स टू द पावर फाइव अपॉन साइन एक्स ले लीजिए, कोई दिक्कत नहीं ना, फिर साइन एक्स देगा तो वन अपॉन यहाँ पर कोसेक एक्स भी हो जाएगा, फिर यू वी रूल भी आप कर सकते हो, तो एक काम करते थोड़ा चेंज कर देते, लॉग एक्स लिख दीजिए, चलेगा ना, ऐसा लिखा तो कोई दिक्कत नहीं होगी। मैंने ऐसा क्यों बोला, साइन एक्स क्यों निकाला वो भी बता देता हूँ, एक्स टू द पावर फाइव था अपॉन साइन एक्स था ना, तो फिर आगे जाके ऐसा हो सकता है कि आप बोलोगे वन अपॉन साइन एक्स इंटू एक्स टू द पावर फाइव वाई इज इक्वल टू वन अपॉन साइन एक्स, को आप कहोगे कोसेक एक्स इंटू एक्स टू द पावर फाइव, सर ये तो यू वी रूल हो जाएगा वापस, तो हो सकता है, ऐसा कुछ नहीं है, बन जाएगा वो, बट क्यों, अभी आपको कन्फ्यूजन नहीं हो इसलिए मैंने क्या किया, अलग अलग दो फंक्शन लिया जिसमें आप कुछ नया नहीं करोगे, नॉर्मल ऐसा डिफरेंशिएशन करके दिखा सके, ठीक है। सो लेट्स सी, इसको सॉल्व करके देखते, इसको भी क्या बोलोगे आप, डिफरेंशिएटिंग
विथ रेस्पेक्ट टू एक्स, ठीक है। देखो ये यू है और ये वी है, आप समझ जाना है यहाँ पर। तो आप क्या लिखोगे, डेरिवेटिव ऑफ वाई विथ रेस्पेक्ट टू एक्स इज इक्वल टू, ये जो v है यानी कि डिनोमिनेटर, डिनोमिनेटर कांस्टेंट रखना है उसको रख दिया, न्यूमरेटर का डेरिवेटिव करना है, डेरिवेटिव ऑफ x टू द पावर 5 विथ रेस्पेक्ट टू x, फिर माइनस लिखना है। मैं ये रूल अप्लाई कर रहा हूँ, ये वाला ही अप्लाई कर रहा हूँ, बराबर ना, u बाई वी, यू बाई वी लिख रहा है। देखिए नेक्स्ट क्या रहेगा यहाँ पर, अब न्यूमरेटर कॉन्स्टेंट, फिर डिनोमिनेटर का डेरिवेटिव, डेरिवेटिव ऑफ log x विथ रेस्पेक्ट टू x होल अपॉन, नीचे क्या रहेगा, log x का होल स्क्वायर, बराबर, कोई दिक्कत नहीं है। अब देखिए यहाँ पर क्या करोगे, डेरिवेटिव ऑफ y विथ रेस्पेक्ट टू x इज इक्वल टू log x को यहीं रख दीजिए। अभी अभी हमने इसको बहुत बार सॉल्व कर दिया, पावर कितना है 5x, पावर माइनस 1 मतलब 4 आएगा, पावर कितना 5 है, 5 माइनस 1 4, फिर आगे माइनस x टू द पावर 5, log x का डेरिवेटिव 1 बाई x, हमने पढ़े डेरिवेटिव ऑफ log x, ये सारे फॉर्मूले हैं, एक बार फॉर्मूला आप अच्छी तरह बैठ कर लीजिएगा, जो यहाँ पर होता है वो नीचे आता है, सो 1 बाई x होल अपॉन, नीचे क्या है, log x का होल स्क्वायर, हो गया। थोड़ा आगे सॉल्व करते, डेरिवेटिव ऑफ y विथ रेस्पेक्ट टू x, देखो यहाँ पर क्या है, ये 5x टू द पावर 4 इंटू log x, ऐसे ऑर्डर में लिख देता हूँ, माइनस यहाँ पर एक कटेगा तो यहाँ पर x टू द पावर 4 हो जाएगा, होल अपॉन log x का होल स्क्वायर हो जाएगा, बराबर। और अगर आगे और करना है तो और करेंगे, देखिए क्या आ रहा है यहाँ पर, इधर आएगा कि डेरिवेटिव ऑफ y विथ रेस्पेक्ट टू x इज इक्वल टू, देखो यहाँ पर क्या है, ये x टू द पावर 4 है, बराबर, इधर भी x टू द पावर 4 है, x टू द पावर 4, x टू द पावर 4 कॉमन ले लीजिए, तो क्या मिलेगा, x टू द पावर 4 कॉमन गया तो 5 log x बचेगा, 5 log x माइनस 1 होल अपॉन log x का होल स्क्वायर बन गया यहाँ पर आंसर, क्लियर हो गया यहाँ तक, ऐसे करना है। तो अभी आप समझ गए कि हम चार मेथड समझे, एक u प्लस वी, यू माइनस वी, यू इंटू वी और u बाई वी, ये जो चार रूल है ये बहुत इम्पॉर्टेंट है, क्योंकि जब भी आपके सामने सवाल आएगा तो ऐसा बता के नहीं आता है कि u प्लस वी वाला रूल अप्लाई करो, u इंटू वी वाला रूल अप्लाई करो, बता के नहीं आएगा, रैंडम सवाल आता है तब आपको सॉल्व करने के लिए कहा जाता है, तब आपको पहचानना होता है कि uv रूल है, u बाई वी रूल है, क्या u प्लस वी या u माइनस वी, कौन सा रूल आ रहा है वो आप पहचानोगे और आप सॉर्ट आउट करोगे, क्लियर हो गया। चलो आगे देखिए, अभी हम समझते और भी एग्जांपल लेके इन सारे कॉन्सेप्ट को डिटेल में समझते। देखिए अभी हमने इससे पहले आपको पहले लेक्चर में बताए थे कॉम्पोजिट फंक्शन जब आता है तो कैसे सॉल्व करते, बट अभी हम और भी कॉम्पोजिट ले लेते और उसको सॉल्व करके देखते। देखिए सबसे पहला हमने जब स्टार्टिंग में आपको फॉर्मूला पढ़ाया था तो डेरिवेटिव ऑफ x रेस टू n क्या पढ़ाया था, n इंटू x रेस टू n माइनस 1, बराबर। अब देखो हम क्या कर रहे हैं, एग्जाम्पल लिया था इससे पहले कि डेरिवेटिव ऑफ, अगर हमने बोला कि x टू द पावर मान लो 5 बोल दिया था, अभी हमने सॉल्व किया तो आपने सेम फॉर्मूला अप्लाई किया कि 5 इंटू एक्स टू द पावर 5 माइनस 1, जो n दिख रहा है वो कौन है, 5 है, तो यहाँ पर n इंटू एक्स रेस टू n माइनस 1, तो 5 इंटू एक्स रेस टू 5 माइनस 1, और अल्टीमेटली आपको फॉर्मूला क्या बन रहा था, एक्स टू द पावर 4, राइट है। पर मैंने आपको स्टार्टिंग के लेक्चर में मैंने बताया था कि ये जो डिफरेंशिएशन हुआ है जैसे आपको दिख रहा है वैसा नहीं, और भी इसके अंदर क्या कॉन्सेप्ट था, इसको जब सॉल्व किया गया था ना तो ऐसा किया गया था कि डेरिवेटिव ऑफ एक्स रेस टू एन था, तो एन इंटू एक्स रेस टू एन माइनस वन हो गया, फिर उसके बाद इस एक्स का डिफरेंशिएट किया जाता है, सो डेरिवेटिव ऑफ एक्स और किसके विथ रेस्पेक्ट टू में, इसके डी एक्स यानी कि एक्स, सो विथ रेस्पेक्ट टू एक्स किया गया तो ये कट के 1 मिला, तो यहाँ पर क्या आ गया, 1 आ गया, और 1 इंटू इसको मल्टीप्लाई किया तो यही आएगा, तो फाइनली यही आ गया,
और वही आपके फॉर्मूले में दिया गया है और वो नॉर्मली हो रहा है क्योंकि x का डिफरेंशिएट 1 आ रहा है, इसलिए इसे कोई फर्क नहीं पड़ रहा, जैसा का वैसा ही दिख रहा है। लेकिन हर बार आपको एग्जाम में थोड़ी ना ऐसे ही सिंपल वाला आएगा, तो कैसा आता है अभी आपको बता रहा हूँ। डेरिवेटिव ऑफ, अगर मान लीजिए यहाँ पर 2x to the power 5 आ गया, तो अभी देखो कैसे करोगे। अब आपका रूल क्या बोलता है, रूल सिंपल है, देखो जो भी यहाँ पर ये है उसे आप क्या करोगे, जैसा का वैसा ही लिख दोगे बराबर। लेकिन उसके ऊपर जो पावर है वो पावर को यहाँ लिखना है, देखिएगा ये x था, x ऐसा ही है, जो उसके ऊपर पावर था वो इधर लिखा और उस पावर में से माइनस वन किया, तो अब ये जैसा है वैसा मैंने लिख दिया, इसके ऊपर पावर कितना 5 है तो 5 यहाँ लिख दिया और ऊपर 5 माइनस 1 लिख दूंगा, यहाँ तक हो गया। अब ये 2x का डेरिवेटिव करने का, उन्होंने भी x का डेरिवेटिव किया था लेकिन उनका x का डेरिवेटिव 1 आ गया था, इसलिए उन्होंने यहाँ पर दिखाया नहीं है। लेकिन अभी ये 2x का डेरिवेटिव 1 तो नहीं आ सकता, हम इसका डेरिवेटिव करेंगे। तो अब 2x का डेरिवेटिव करने का, तो डेरिवेटिव ऑफ 2x विथ रेस्पेक्ट टू x, तो जब आप इसका डेरिवेटिव करोगे, देखो इसको 5 into 2, पहले रहने इसको यहाँ पर 5 2x है, पावर कितना 5 minus 1 4 हो गया। अब देखिए जब इसका डेरिवेटिव करोगे, तो मैंने आपको बोला था 2 क्या है, कांस्टेंट है, तो 2 का तो डेरिवेटिव नहीं हो सकता। देखो जो वेरिएबल है, जो चेंज हो रहा है, उसी का डेरिवेटिव होगा। अब 2 कांस्टेंट है, उसका डेरिवेटिव नहीं हो सकता, उसको साइड में हटा दीजिए, तो 2 साइड में आ गया, अब dx बचेगा और dx रहेगा। तो अब क्या हो रहा है, देखो यहाँ पर 5, अब थोड़ा इसको अगर मॉडिफाई करना है तो कर दीजिए, नहीं तो रहने दीजिए, कोई इशू नहीं होगा। अब आप इसको यहाँ पर देखो 2 का पावर करोगे 2 to the power 4, ये सब होगा, लेकिन अभी के लिए आप रहने दीजिए, आपको समझना है। देखो 2 यहाँ पर dx बाई dx कट के कितना हो गया 1, तो अब ये 2 into 1 कितना रहेगा 2, और 2 into 5 कितना 10, तो यहाँ पर 10 into 2x to the power 4। अब ये आ गया आपका डेरिवेटिव ऑफ 2x to the power 5 विथ रेस्पेक्ट टू x, इसका डेरिवेटिव हो गया। अब आप चाहे तो करोगे, देखो इसको यहाँ पर ऊपर पावर इसके ऊपर आएगा, x के ऊपर पावर आएगा, 2 को 4 बार मल्टीप्लाई करो, फिर बाजू वाले से मल्टीप्लाई कर दो, आंसर नहीं आ जाएगा। मैं आपको क्या बता रहा हूँ, मैं कॉन्सेप्ट समझा रहा हूँ, आपको एक बार डिफरेंशिएशन का कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाए तो आप एक्सरसाइज के क्वेश्चन आराम से सॉल्व कर सकते हो, मैं आपको करा दूंगा, फिलहाल आप ये समझ चुके होंगे। अभी देखिए दूसरा एग्जांपल लेती है, मान लीजिए अब सिर्फ यही नहीं है, अब इसके ऊपर दूसरा, जरूरी थोड़ी है कि हर बार एक्स ही आना चाहिए या नीचे जो आप ले रहे हो उसके अंदर एक्स होना ही चाहिए, नहीं कोई दूसरा फंक्शन भी हो सकता है, ट्रिग्नोमेट्रिक हो सकता है, लॉगरिथमिक हो सकता है, कोई भी फंक्शन हो सकता है। अब एग्जाम्पल दिखाते, जैसे मान लीजिए मैंने कहा कि डेरिवेटिव ऑफ, यहां पर लिख रहा हूं कि साइन स्क्वायर एक्स लिख रहा हूं। अब जरा देखो इसको जरा समझो, यहां पर क्या ये साइन स्क्वायर एक्स है, इसका मतलब क्या हुआ कि डेरिवेटिव ऑफ साइन एक्स का होल स्क्वायर हो गया ये। जब भी साइन स्क्वायर एक्स का मतलब क्या होता है, साइन एक्स का होल स्क्वायर हो गया। अब देखिए आप यही रूल अप्लाई करोगे सब जगह पे, कहानी सेम है, जब भी किसी फंक्शन के ऊपर नंबर दिख रहा है, देखो साइन एक्स क्या है, एक ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन है और उसके ऊपर आपको एक नंबर दिख रहा है। मैंने आपको पहले लेक्चर में कहा था कि ये जो एन है ये क्या रिप्रेजेंट कर रहा है, ये एनी नंबर था, कोई नंबर हो सकता है या फिर दूसरा क्या होगा, ये कोई भी मतलब ऑल अल्फाबेट होगा, अल्फाबेट ऑल है ना, ऑल अल्फाबेट ले लीजिए आप, ABCD में कोई भी हो सकता है ये n के बदले में, या फिर A 1 2 3 4 कोई भी नंबर हो सकता है। तो एक फंक्शन के ऊपर कोई भी नंबर या कोई कांस्टेंट टर्म आ रहा है तो आप यही फॉर्मूला अप्लाई करोगे, तो इस बार भी यही करना है। क्या करोगे आप, आगे लेके जाओगे, सॉल्व करोगे, आप ये मान लोगे कि ये एक्स है, जैसे ये एक्स दिख रहा है ना, ये एक्स से समझ लोगे आप, तो x के ऊपर पावर, फॉर्मूला क्या होता है, पावर इंटू एक्स ऊपर पावर माइनस वन, तो यहां पर देखो पावर कितना है 2 और x के बदले में कौन है साइन एक्स और ऊपर पावर माइनस वन 2 माइनस वन, और फिर वापस इसका डेरिवेटिव करने का,
उन्होंने भी x का डेरिवेटिव किए थे, लेकिन x का डेरिवेटिव विथ रेस्पेक्ट टू x वन आता है, इसलिए उन्होंने यहाँ पर नहीं लिखा है। बट अभी साइन x का डेरिवेटिव वन थोड़ी आएगा, तो हम तो करेंगे उसको। तो साइन x का डेरिवेटिव करो, डेरिवेटिव ऑफ साइन x विथ रेस्पेक्ट टू x, सो क्या होगा, टू साइन x, ऊपर देखो 2 माइनस 1 कितना 1, अब डेरिवेटिव ऑफ साइन x क्या होता है, cos x, तो cos x लिख दीजिए। अब हो गया यहां पर फॉर्मूला 2 साइन x इंटू cos x, यहां तक आपका आंसर क्लियर, मतलब किसका आंसर है, डेरिवेटिव ऑफ साइन स्क्वायर x, समझा। अगर आप ट्रिग्नोमेट्री में एक्सपर्ट हो, आपने इससे पहले कभी अच्छे से फॉर्मूला किया है, तो ये एक फॉर्मूला है, डेरिवेटिव ऑफ 2 साइन थीटा कॉस थीटा इट गिव्स साइन 2 थीटा, तो अगर आपको याद है तो ठीक है, नहीं तो नहीं, कोई बात नहीं, आप यहाँ तक करो, काम खत्म हो जाएगा, इतना कोई डिफिकल्ट नहीं है। समझ में आ गया, तो कोई भी फंक्शन आपको जब दिया रहेगा तो डायरेक्टली फॉर्मूला वाला ही नहीं देते, ऐसे घुमा फिरा के देते, आपको समझना चाहिए। चलो अभी एक और समझ लेते, जैसे अभी हमने ये ले लिया, दूसरा कुछ और लेके दिखाते। मान लीजिए कि अगर हम एग्जाम्पल फंक्शन लेते हैं कोई भी, अगर हमने कहा कि अभी x टू द पावर 3 माइनस, यहाँ पर मान लीजिए x 2x है समझो, प्लस 7 है, और इसके ऊपर पावर 5 है, और हम इसको y इज इक्वल टू बता दिया है। अभी देखो, आपको वो डिफरेंशिएट करने के लिए कहा गया है, डिफरेंशिएटिंग विथ रेस्पेक्ट टू x करके कहा है, तो डेरीवेटिव ऑफ y विथ रेस्पेक्ट टू x, अब आप क्या करोगे, डेरीवेटिव ऑफ, यहाँ पर देखिए डेरिवेटिव ऑफ x क्यूब माइनस 2x प्लस 7 टू द पावर 5 विथ रेस्पेक्ट टू x। तो अभी आप क्या मान लोगे, जैसे ये x है वैसे ये पूरा टर्म हो गया, x के ऊपर पावर है वैसे इसके ऊपर पावर है, तो कहानी सेम है, क्या है यहाँ पर पावर लेने का, पावर 5, और जो फंक्शन है वो लिखने का x क्यूब माइनस 2x प्लस 7 और पावर माइनस 1, तो 5 माइनस 1 हो गया। अब उसके बाद जो भी ये है इसका डेरिवेटिव करने का, तो आप अभी लिखोगे डेरिवेटिव ऑफ, अभी पूरे का करना है, कौन कौन है यहाँ पर, x क्यूब माइनस 2x प्लस 7, इन सब का डेरिवेटिव करना है। अब आप देखिए डेरिवेटिव कैसे करोगे, अब जरा ध्यान से समझिएगा, यहाँ पर देखो, यहाँ तक तो कहानी क्लियर है, कुछ नया नहीं है, ये सिंपल था, हमने फॉर्मूला अप्लाई कर दिया, डेरिवेटिव ऑफ वाई विथ रेस्पेक्ट टू एक्स लिख दिए। अब जो टर्म यहाँ पर जो है उसको वैसा ही लिखना पड़ेगा, 5 इंटू एक्स क्यूब माइनस 2x प्लस 7 टू द पावर 4, ठीक है, 5 माइनस 1 कितना 4। अब जरा ध्यान दिए, हम यहाँ पर ब्रैकेट बना देते, देखो ये एक फंक्शन है, फिर माइनस सिंबल आ रहा है, फिर प्लस सिंबल आ रहा है, बीच में फंक्शन है, तो अभी आपको माइनस प्लस में क्या होता है, डायरेक्ट डेरिवेटिव करना है। प्रॉब्लम तब है जब कोई मल्टीप्लीकेशन में होता तो फिर आप वो यू वी रूल अप्लाई करते, इधर डिवाइड में होता तो आप यू बाई वी रूल अप्लाई करते, लेकिन यहाँ पर ऐसा नहीं है, यहाँ पर माइनस प्लस वाले, तो माइनस प्लस वाले में क्या करोगे, डायरेक्ट डेरिवेटिव करोगे, तो डायरेक्ट डेरिवेटिव करना शुरू कर दो। सो डेरिवेटिव इसको दे दो, डेरिवेटिव इसको दे दो, डेरिवेटिव इसको दे दो, सो डेरिवेटिव ऑफ एक्स क्यूब विथ रेस्पेक्ट टू एक्स, फिर माइनस सिंबल है, फिर डेरिवेटिव ऑफ 2x, सो डेरिवेटिव ऑफ 2x विथ रेस्पेक्ट टू x, फिर प्लस सिंबल है, और यहाँ पर 7 को डेरिवेटिव दीजिए, डेरिवेटिव ऑफ 7 विथ रेस्पेक्ट टू x, हो गया। क्या मिलेगा यहाँ पर, 5 इंटू एक्स क्यूब माइनस 2x प्लस 7 टू द पावर 4। देखो यहाँ पर x क्यूब है, तो मैं क्या कहता हूँ कि दोबारा नीचे बड़ा स्टेप लिख के लंबा चौड़ा करने के बजाय सिंपल से बता रहा हूँ। देखो ये 2 को जरा साइड में निकाल लेता हूँ, क्योंकि आपको पता है जब कांस्टेंट रहेगा तो उसको साइड में हटाते हो, कांस्टेंट का डेरिवेटिव नहीं होता है, और आपको मैंने पहले बताया है कि जितने भी नंबर अल्फाबेट है वो सब कांस्टेंट ही है, तो अब ये कांस्टेंट हो गया ना, साइड में हटा दूँ तो dx बाई dx लिख देता हूँ डायरेक्टली, तो छोटा सा काम हो जाएगा यहीं पर, तो 2 dx बाई dx। अब देखो इसको कौन सा फॉर्मूला अप्लाई करोगे, ये वाला फॉर्मूला, यहाँ पर सिंपल x है, इधर भी सिंपल x है, तो जनरली इसके तरह ही आ जाएगा, तो पावर कितना 3, नीचे फंक्शन x, पावर माइनस 1 यानी कि n माइनस 1, 3 माइनस 1 कितना 2, डायरेक्ट लिख दे, माइनस 2 dx बाई dx कट के कितना रहेगा 1 आ जाएगा,
कट गए, शहीद हो गए, प्लस देखो अभी ये कांस्टेंट है, और मैंने आपको पहले बोला था जिसे आप डिफरेंशिएट कर रहे हो और जिससे करने जा रहे हो, आप x से डिफरेंशिएट कर रहे हो 7 को, 7 एक नंबर है, तो इसमें कोई भी वेरिएबल नहीं नजर आ रहा है आपको, मतलब जिससे आप डिफरेंशिएट कर रहे हो वो कौन है, x, और इसमें x है नहीं। अब जब जिससे डिफरेंशिएट कर रहे हो वो टर्म ही नहीं है, तो वो टर्म तो कांस्टेंट हो गया, और डेरिवेटिव ऑफ कांस्टेंट क्या पढ़े थे हमने, जीरो, तो जीरो लिख दीजिए। तो फाइनली क्या मिल रहा है, 5 इंटू एक्स क्यूब माइनस 2x प्लस 7 टू द पावर 4, यहां पर 3x स्क्वायर माइनस 2 रहेगा। क्लियर हो गया, अब यहां तक छोड़ दो, कोई दिक्कत नहीं, चाहिए तो आगे अंदर मल्टीप्लाई करो, आप चाहिए तो 5 को अंदर भेजो, 5 3 जा एंड 5 2 जा हो जाएगा, नहीं तो यहां तक रख दो, काम खत्म हो जाएगा, dy by dx, समझ में आ गया। देखो मैं सिर्फ और सिर्फ एक x टू द पावर n वाले फॉर्मूले को लेकर आपको कॉम्पोजिट फंक्शन समझा रहा हूं, अब एक और मैं रूट एक्स लेके समझा दूंगा, आप इससे रिलेट करके बाकी सब समझ जाना, जितने भी आपने फॉर्मूले पढ़े उनमें अगर कोई भी ऐसे कॉम्पोजिट आता है तो फॉर्मूले को ले लो और उसके बेस पे उसको रिलेट करके सॉल्व करना। अब एग्जाम्पल दूसरा दिखा देते हैं आपको, एक दूसरा एग्जाम्पल देख लीजिए, देखिए अगर हम लेते हैं कि y इज इक्वल टू अंडर रूट ऑफ x स्क्वायर प्लस 4x माइनस 7 ले लिया। अब देखिए आपने एक फॉर्मूला पढ़े थे, फॉर्मूला क्या पढ़े थे, डेरिवेटिव ऑफ रूट x, उसका आंसर क्या आ रहा था, 1 अपॉन 2 रूट x, है ना, और फिर वापस देखो यहां पर रूल क्या होता है, 1 अपॉन 2 रूट x, सो 1 अपॉन 2 तो फिक्स है, वो चेंज होगा ही नहीं, और जो भी टर्म यहां पर है ये पूरा का पूरा यहां पर लिखा गया है। क्लियर हो गया, अब इस रूट के अंदर कौन है, एक्स है, तो उसका डिफरेंशिएट करते, डिफरेंशिएटिंग एक्स विथ रेस्पेक्ट टू एक्स, तो ये इसका आंसर कितना आएगा, 1 अपॉन 2 रूट एक्स, ये कट के तो 1 मिलेगा, 1 इंटू दिस यही आ जाएगा, तो फाइनली आपने फॉर्मूला क्या पढ़े, डेरिवेटिव ऑफ रूट एक्स विथ रेस्पेक्ट टू एक्स, आपने ये वाला फॉर्मूला पढ़े थे, ये फॉर्मूला ये था, समझ में आ गया, तो आप डायरेक्ट फॉर्मूला ऐसे पढ़ रहे थे बट एक्चुअल में ऐसा होता है, इस तरह कहानी क्लियर है। अब इसी फॉर्मूले के बेस पे हम सॉल्व करेंगे इसको और फिर देखेंगे, देखिए यहां पर इसको क्या करेंगे, डिफरेंशिएटिंग विथ रेस्पेक्ट टू एक्स, एक बात याद रखना, कभी भी बोलेंगे डेरिवेटिव ऑफ एक्स विथ रेस्पेक्ट टू एक्स, आंसर 1 आएगा, डेरिवेटिव ऑफ वाई विथ रेस्पेक्ट टू वाई 1 आएगा, डेरिवेटिव ऑफ एम विथ रेस्पेक्ट टू एम आंसर 1 आएगा, कॉमन सेंस की बात है ना, ये कट जाएंगे, कट कट सेम सेम तो है, तो इसलिए आप समझ जाना। अभी देखिए यहां पर हम डिफरेंशिएट कर रहे, तो डेरिवेटिव ऑफ वाई विथ रेस्पेक्ट टू एक्स, सो डी बाई डी एक्स को हम लिख लेते, ये जो y दिख रहा है y के बदले में पूरा लिख दे, अंडर रूट ऑफ एक्स स्क्वायर प्लस 4x माइनस 7, सो डेरिवेटिव ऑफ y विथ रेस्पेक्ट टू x, अब देखिए ये अंडर रूट ऑफ x है, रूल क्या बोलता है, 1 अपॉन 2 फिक्स रहेगा, तो मैंने 1 अपॉन 2 फिक्स लिख दिया, यहां पर रूट पूरा था तो पूरा रूट वाला टर्म यहां पर है, देखिए यहां पर पूरा रूट वाला टर्म ये पूरा है तो यहां पर पूरा लिखा गया है, वैसे यहां पर देखो ये पूरा है तो मैं पूरा लिख दूंगा, क्या इधर रूट उसके अंदर एक्स स्क्वायर प्लस 4x माइनस 7 है, राइट, अब रूट के अंदर क्या था x, उसका डिफरेंशिएट किया गया है, तो अभी रूट के अंदर क्या है, ये पूरा टर्म है तो इसका डिफरेंशिएट करना पड़ेगा, तो डेरिवेटिव ऑफ क्या है ये एक्स स्क्वायर प्लस 4x माइनस 7, क्लियर, अब इसको सॉल्व करेंगे, डेरिवेटिव ऑफ वाई विथ रेस्पेक्ट टू एक्स, 1 अपॉन 2 अंडर रूट ऑफ एक्स स्क्वायर प्लस 4x माइनस 7, इसको ऐसे लिख देंगे, अब देखो सब में प्लस माइनस ही है ना, तो डायरेक्ट डिफरेंशिएट करेंगे सबको, तो डिफरेंशिएटिंग एक्स स्क्वायर, एक्स स्क्वायर को डेरिवेटिव करेंगे, सो डेरिवेटिव ऑफ एक्स स्क्वायर विथ रेस्पेक्ट टू एक्स प्लस, देखो 4 कांस्टेंट है साइड में निकाल लेते, साइड में चला गया,
अब x को डिफरेंशिएट करेंगे, डेरिवेटिव ऑफ x विथ रेस्पेक्ट टू x, फिर माइनस 7 को डिफरेंशिएट करेंगे, डेरिवेटिव ऑफ 7 विथ रेस्पेक्ट टू x, राइट ना। जितनी हमको पता था उसी रूल के हिसाब से काम कर रहे, बराबर हो रहा है। देखिए आगे आगे क्या होगा, डेरिवेटिव ऑफ y विथ रेस्पेक्ट टू x इज इक्वल टू 1 अपॉन क्या आ रहा है यहां पर, 2 अंडर रूट ऑफ एक्स स्क्वायर प्लस 4x माइनस 7 है, तो हमने लिख दिया। अब फॉर्मूला अप्लाई कीजिए वाला, डेरिवेटिव ऑफ x रेस टू n, देखो x रेस टू n यहां पर भी x है इधर भी x है, तो सिंपल वाला अप्लाई होगा क्या, n इंटू एक्स रेस टू n माइनस 1, n कितना है यहां पर 2 इंटू एक्स रेस टू 2 माइनस 1 1, डायरेक्ट लिख देता हूं है ना। बाजू में क्या है यहां पर प्लस 4, देखो dx बाई dx कट के कितना रहेगा 1 आ जाएगा, माइनस देखो यहां पर 7 नंबर है, इसमें x है ही नहीं, तो x से कैसे डिफरेंशिएट होगा, x रहेगा तभी ना डिफरेंशिएट होगा, तो अब ये कांस्टेंट टर्म है तो इसका डेरिवेटिव 0 आ जाएगा, तो 0 लिख दीजिए। एंड फाइनली आपको क्या मिलेगा, डेरिवेटिव ऑफ y विथ रेस्पेक्ट टू x 1 अपॉन 2 इंटू अंडर रूट ऑफ एक्स स्क्वायर प्लस 4x माइनस 7, यहां पर देखो 2x प्लस 4, 2x प्लस 4। आप चाहे तो आगे और करो काम, और अच्छे से हो सकता है। देखो यहां पर क्या कर रहा हूं, 1 अपॉन 2 इंटू अंडर रूट ऑफ एक्स स्क्वायर प्लस 4x माइनस 7 लिख दिया, इसमें 2 कॉमन ले ले, इंटू 2 कॉमन ले लेते तो क्या मिलेगा, x प्लस 2 मिलेगा, 2 2 कट जाएंगे तो फाइनली आपको एक आंसर मिल जाएगा, x प्लस 2 मल्टीप्लाई में है ना, मल्टीप्लाई कर दीजिए और नीचे अंडर रूट ऑफ एक्स स्क्वायर प्लस 4x माइनस 7, समझ में आ गया। तो अभी तो हमने सिर्फ एक आध फॉर्मूला को लेकर उन्हीं पे कॉम्पोजिट फंक्शन बना के आपको हम समझाए, ऐसे जितने भी फॉर्मूला है उन सब के ऊपर कॉम्पोजिट फंक्शन आएंगे, मतलब बीच में डायरेक्ट ऐसा नॉर्मल जैसे x था x नहीं आएगा, x के बदले में कुछ और आ जाएगा। देखो यहाँ पर रूट x है इसका, इधर डायरेक्ट रूट x, इसमें x नहीं आएगा, कुछ एक्स स्क्वायर ये सब आता रहेगा। तो ऐसे सॉल्व करना, सॉल्व करते जाना चाहिए, बेसिक को समझ जाओ, इजीली स्कोर कर सकते हो और आपको आराम से आ जाएगा।